विद्यार्थियों नमस्कार। हम आगे देखते हैं कि गबन उपन्यास में रमानाथ उस कानून के आसपास पहुंच जाता है जहां फांसी तक की सजा है। रतन अपने पति का इलाज कराने के सिलसिले में कलकत्ता आती है। वह रमानाथ को खोजने का प्रयास करती है, सफलता उसको नहीं मिलती है। अंत जालपा प्रजामित्र पत्र में वही शतरंज का नक्शा प्रकाशित करवाती है जिसे रमानाथ पहले हल कर चुका था। जालपा की है योजना सफल होती है। वे देवदीन का पता लगाती हुई रमानाथ के पास पहुंचते ही सफल होती है, किंतु जब उसे मालूम होता है कि रमानाथ स्वयं को पुलिस के चंगुल से बचाने के लिए क्रांतिकारियों के विरुद्ध झूठी गवाही दे रहा है तो वह अपना अत्यंत दुख प्रकट करती है और जालपा बहुत दुखी हो जाती है। रमानाथ यह प्रकट करना नहीं चाहता है कि मैं अपनी पत्नी की निगाहों में चोर साबित हूं, चाहे वो क्रांतिकारी बनकर झूठी गवाह देने के लिए तैयार हो जाता है। उसे रमानाथ के इस आचरण के प्रति हार्दिक वेदना होती है, बहुत दुख होता है जालपा को। जालपा रमानाथ को समझाते हैं कि वह अपना बयान बदल दे, किंतु रमानाथ उसकी एक बात नहीं मानता। उल्टे वह जालपा खुश करने के लिए पुलिस द्वारा दिया गया आभूषण जालपा के लिए लाता है, पर जालपा आभूषण नहीं लेती। यानी विद्यार्थियों, एक आभूषण प्राप्त करने की लालसा एक औरत को कहां तक पहुंचा देता है कि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए पुलिस की प्रताड़ना के बाद भी, पुलिस द्वारा क्रांतिकारियों को साथ देने की बात में शामिल करके रमानाथ उसको राजी करने का प्रयास करता है। जालपा द्वारा डांटा जाकर रमानाथ लौट आता है। पुलिस रमानाथ को अपने कब्जे में रखना चाहती है। इस उद्देश्य से जोहरा नामक वेश्या को उसके मनोरंजन के लिए भेजती है ताकि रमानाथ जालपा के पक्ष में न हो जाए। अब पुलिस रमानाथ को अपनी पत्नी के चंगुल छुड़ाने के लिए एक जालपा नामक वेश्या से मुलाकात करवाते हैं और शायद जालपा को हमेशा अपने ही पास रखने के लिए या अपना बनाने के लिए रमानाथ को बहुत तरह का प्रलोभन दिया जाता है। शारीरिक उसको मनोरंजन के लिए भेजते हैं। जोहरा में भी सद्बुद्धि जगती है और वह रमानाथ को सच्चे हृदय से प्यार करती है, उसे पुलिस के चंगुल से मुक्त कराती है। इन प्रकार ने विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि रमानाथ को जालपा पुलिस की चंगुल छुड़ाने में मुक्त हो जाती है। रमानाथ जज के यहाँ जाकर सारी बात बता देता है। पुलिस की षड्यंत्र का भंडाफोड़ होता है। रमानाथ को जालपा की दशा पर बड़ी ग्लानि होती है और वह जालपा रतन देवीदीनी की पत्नी जग्गी और जोहरा के साथ प्रयाग के एक गाँव में रहने लगता है। जिंदगी कहाँ से कहाँ बदल जाती है। रमानाथ को बहुत गुलानी होती है कि मेरे कारण कितने दुख मेरी पत्नी को सहने पड़े, मेरे यार मित्रों को सहने पड़े, मेरे मित्रों को सहने पड़े। समय बीतता है, वहाँ से सभी खेती आरंभ करते हैं और रमानाथ वैद्य बनकर रोगी ग्रामीणों की मदद करता है। यहाँ रमानाथ का हमें एक नया चित्र प्रेमचंद के माध्यम से विद्यार्थी देखने के लिए मिलता है कि अब प्रेमचंद बीमार ग्रामीण लोगों की सहायता करता है, रोगियों का इलाज करता है, रोगियों को एक सांत्वना के रूप में इलाज करता हुआ नजर आता है। सांत्वना क्या, वो दवाइयां देता है। समय बीतता है, रतन बहुत बीमार पड़ती है तथा शरीर छोड़ देती है। कुछ दिन बाद गंगा की बाढ़ में फंसे हुए कुछ लोगों को बचाने की घड़ी उपस्थिति होती है। रमानाथ कुछ निर्णय नहीं कर पाता जबकि जोहरा उनकी रक्षा के लिए गंगा में कूद पड़ती है, किंतु वह कभी नहीं लौटते। रमानाथ और जालपा अश्रुपूर्ण दृष्टि लिए जोहरा की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। समय ने बहुत रूप धारण किए विद्यार्थियों कि रमानाथ उस परिस्थिति से निकलकर पुलिस के चंगुल से साफ साफ बात कहने के बाद
जज के द्वारा रमानाथ को छोड़ा जाना, हृदय की गहराइयों से जालपा के मन में अपने पति के प्रति सारी बातों को भुलाकर, गहनों की लालसा को ली हुई हट को भुलाकर, जब वास्तविक स्थिति सामने आती है तो प्रेम जागृत हो जाता है और अपने घर परिवार बनाना चाहते हैं। रमानाथ उन सारी चुंगी की ठेकेदारी की नौकरी, गबन का चुराया हुआ पैसा, वो विपरीत परिस्थिति से निकलकर गंगा किनारे मां ग्रामीणों की सेवा का काम चालू करता है। हम देखते हैं विद्यार्थी अंतत्वत्वा आदमी इन सारी परिस्थितियों को झेलता हुआ, इन परेशानियों को झेलता हुआ वो एक दिन अपने वास्तविक स्थान पर आकर सच्चाई के साथ जीना चाहता है और वही काम शायद मेरी निगाह में प्रेमचंद रमानाथ से करवा रहा है, ग्रामीणों की सेवा। लेकिन प्रकृति को कोई कुछ और ही मंजूर है, जिससे जोहरा नामक वैश्या से ये कहानी एक मोड़ लेती है, नया मोड़ लेती है। वह जोहरावीर के साथ रहने लग जाती है। एक समय ऐसा आता है कि गंगा के बहाव के साथ जोहरा बह जाती है और सूनी निगाहों से, उन दर्द भरी आंखों से, उस अश्रुपूर्ण आंसू से जाल पर रमानाथ शायद जिंदगी का जो टर्न था, जिंदगी का जो मोड़ आया था जोहरा के कारण, उस जोहराओं को दर्द भरी आंखों से उस गंगा के इस शोर से लेकर उस शोर तक, जो जहरा जोहरा उस बाढ़ में, उस नदी में, उस बहाव में, उस प्लावन में बह गई, उसका इंतजार आज भी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी और मैं भी आपका प्रोफेसर होने के नाते ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने मन में गहनों के प्रति अति उत्साह को मत पालो। अति उत्साह अत्यंत महत्वाकांक्षा, चीजों की अधिक लालसा आदमी को विद्यार्थियों दुखी देती है, सुख नहीं देती। ये उपन्यास, ये ग्रंथ, ये साहित्य, कहानी और कविताएं आपको क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि आपको जीवन में इनके माध्यम से बहुत कुछ सीखना है और वह सीख आपको यह सीखा जाती है कि जालपा की एक छोटी शिक्षा उसकी माँ के द्वारा बहलावे में यह कहकर कि तुझे तेरा पति एक अच्छा हार लेकर आएगा, चंद्रहार लेकर आएगा और शादी के दिन जब जालपा के ससुराल पक्ष से वो हार नहीं लाया जाता है, उसके मन में घट होती है कि मैं मेरे पति के हाथ से यह हार बनवाऊंगी और शादी रमानाथ पक्ष के द्वारा शादी में अधिक धन खर्च करने के कारण जो कर्ज हो जाता है, उस कर्ज को समाप्त करने के लिए जो जालपा को दिया हुआ आभूषण था वो वापस लिया जाता है और उस आभूषण के दोबारा उसको जालपा को लौटाने के लिए रमानाथ को अपनी पत्नी को दिखावटी रूप में कुछ करने के लिए सही चोरी करनी पड़ जाती है, गबन करना पड़ जाता है, धन चुराना पड़ जाता है। सरकारी धन को चोरी करना विद्यार्थियों गबन है और उसमें सीधी सजा होती है, फांसी की सजा होती है। लेकिन जालपा वो जब ये देखने में आता है कि एक वैश्य के द्वारा मेरे पति के चंगुल में फंसाया जा रहा है, तो उसका जो वास्तविक प्रेम है वो जग जाता है और ये वास्तविक प्रेम रमानाथ को फांसी की सजा से बचाता है और उस न्यायाधीश को वास्तविक बात बताने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह गबन नहीं किया, यह एक लालसा में की हुई छोटी सी भूल थी और उस भूल की सजा में नहीं होकर माफी में चली जाती है, पुलिस छोड़ती है, गंगा किनारे जाकर बसते हैं। लेकिन जिसका सबसे बड़ा बलिदान था जालपा का, वो जालपा आज बह गई। हम किसी को नहीं बहाएं, हम किसी दूसरे के ऊपर ठीकरा ना फोड़ें, हम किसी दूसरे को दुख ना दें। विद्यार्थी जिंदगी में बहुत सारी महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए,
महत्वाकांक्षा पालो, कांक्षाएं पालो अच्छाई के लिए, विद्वता के लिए, पढ़ाई के लिए, अफसर बनने के लिए, समाज में अच्छे काम करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अच्छे कर्म करो, गलत कामों के लिए आदमी को महत्वाकांक्षाएं और लालच और लालसा नहीं पालनी चाहिए। यह उपन्यास हमसे यही कहता है। बहुत सारे प्रश्न इसमें से और बनेंगे, हम आपको उनके प्रश्नों के बारे में बताएंगे। बाकी गबन उपन्यास को आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन, एक बार नहीं मैं कहता हूँ, 5 बार पढ़ना चाहिए। यह उपन्यास हमें बहुत कुछ सीखने के लिए, हमारे मन में बहुत सारी बातें पैदा करता है, सिखाता है, मैं कहता हूँ चीज़ के लिए। इसलिए प्रेमचंद का गबन उपन्यास बहुत ही उपयोगी है, सारगर्भित है, और मैं कहता हूँ आज भी ये कालजयी कृति है, क्योंकि प्रेमचंद ने उस जमाने में गहनों का या गहने पहनने का वर्णन किया है, और वो गहने पहनने की लालसा आपके मन में आज भी है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस तरह की लालसा आपको मन में मत पालो, ताकि जिंदगी बोझ बन जाए, जिंदगी बहुत बुरी लगने लगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काम, थैंक यू।